हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लैक्मी सीसी क्रीम एंड मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन के बीच का कंपैरिजन। सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं एंड किस स्किन टाइप, स्किन टोन एंड स्किन कंसर्न के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे पहले अगर इसकी प्राइसिंग की हम बात करें दोनों प्रोडक्ट्स की, सो आजकल लैक्मे 925 सीसी क्रीम का ये 30 ग्राम्स का प्रोडक्ट आपको 315 रुपीज़ का मिल रहा है। वहीं पे जो मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन है, इसका MRP रुपीज़ 500 है, बट अगेन दोनों सेल्स में काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। तो फेस के इस साइड में लैक्मे सीसी क्रीम एंड इस साइड मेबेलिन फिट मी अप्लाई करूंगी। दोनों को ही फिंगर्स से ब्लेंड करूंगी ताकि आपको ऑन कैमरा ही दिख जाए कि आप इन दोनों में से क्या पिक करें या आपकी स्किन पे क्या बेटर लगेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कवर नहीं करता है ये, बहुत लाइट कवरेज है इसकी, लेकिन फिनिश वाइज प्रोडक्ट ड्यूई है, यानी कि ड्राई स्किन वालों के लिए ऐसा प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहता है। कलर भी एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं है मेरी स्किन के लिए, बिकॉज इसमें SPF 30 है, ज़्यादा है, तो ऐसा लगता है हल्का हल्का वाइट लग रहा है। ये है मेबेलिन फिट मी, सो ये मेरी स्किन टोन के लिए बेटर मैच है। ब्लेंड ये भी आसानी से हो रहा है जैसे लैक्मे का सीसी क्रीम हो रहा था, बट ये ऐसा लगता है कि मेरी ही स्किन टोन के लिए बना है। तो अगर आप फोरहेड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हल्का हल्का सा वाइटिशनेस लग रहा है, बट जो मैं मेबेलिन लगा रही हूँ फिट मी, That is an exact match for my skin tone. Under eye की darkness दोनों ही कुछ खास कवर नहीं कर पाते, बट हम लगा के देखेंगे कि एक हल्का सा even look कैसा देता है ये। So ये है Lakme CC cream, very light coverage, हल्का सा whitishness है because जैसे कि मैंने आपको बताया shades सिर्फ चार ही हैं, and this is Maybelline Fit Me, this is a better match for my skin, and because इसकी finish हल्की सी dewy है तो थोड़ा सा ये शाइन रेडिएट कर रहा है, ये एकदम नॉर्मल लग रहा है, मतलब कोई अलग से ग्लो ऐड नहीं कर रहा है मेरे फेस में। इसके बाद अगर मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के स्मेल की बात करूं, सो जो लैक्मे का सीसी क्रीम है, इसकी एक बहुत स्ट्रांग स्मेल है एंड आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं इसको। अगर आपने लैक्मे के सनस्क्रीन यूज करे होंगे कभी, उसको आपने स्मेल किया होगा तो बहुत स्ट्रांग स्मेल आती है। सेंसिटिव जिनकी है नोज, उनको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। वहीं ऑन दी अदर हैंड मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन की बहुत माइल्ड, एकदम नोटिसेबली नहीं है स्मेल, जो फाउंडेशन की टिपिकल स्मेल होती है वही इसकी स्मेल है एंड आई फाइंड इट वेरी प्लीजिंग। दोनों प्रोडक्ट्स के शेड अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, सो लैक्मे 925 सीसी क्रीम आई थिंक एक मेजर उसका ये डिसएडवांटेज है, सिर्फ 4 शेड्स में आता है। सो इतनी बड़ी जो इंडियन स्किन टोन है, इतने अलग अलग कलर्स हैं, आई थिंक सिर्फ 4 शेड्स जस्टिस नहीं कर पाते। सो मेरी स्किन टोन के लिए मैं ब्रॉन्ज शेड यूज़ करती हूँ एंड ज़्यादातर जो मीडियम स्किन टोन वाले हैं उनको ये वाला शेड सूट करेगा। वहीं ऑन दी अदर हैंड जो मेबेलिन फिट मी है, ये इंडिया में 15 डिफरेंट शेड्स में आता है। सो आपके लिए अपना शेड ढूंढ पाना बहुत ईजी हो जाता है एंड ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको अपने स्किन टोन से मैच खाता हुआ इसमें शेड मिलेगा। इसमें मेरा शेड है 310 सैंड बेज। मैक्सिमम मेरी तरह स्किन टोन वालों को ये वाला 310 जो शेड है वो सूट करेगा। इन दोनों की अगर मैं कवरेज एंड फिनिश की बात करूं, सो लैक्मे सीसी क्रीम का फिनिश हल्का सा ड्यूवी रहता है, सो इट विल नॉट ड्राई आउट योर स्किन। अगर विंटर्स में आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके का फेस प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जो फिट मी है, इसकी ना तो बहुत ज़्यादा ड्यूई है ना बहुत ज़्यादा मैट है, सो इट हैज़ अ वेरी नॉर्मल सैटिन लाइक फिनिश भी नहीं है, इट हैज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल लुकिंग फिनिश। बिकॉज इसकी फिनिश ना ड्यूई है ना मैट है, सो इसको हर स्किन टाइप वाला आराम से इस्तेमाल कर सकता है इन एवरी सीजन। सो अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं, आप विंटर्स समर्स दोनों सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं
एंड सेम गोज फॉर ऑयली एज वेल एज कॉम्बिनेशन स्किन. सो दोनों की अगर मैं कवरेज की बात करूँ, सो दिस इज योर सीसी क्रीम कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम. इसमें आपका SPF यानी कि सनस्क्रीन भी आ रहा है, आपका मॉइस्चराइजर भी आ रहा है एंड थोड़ी सी आपकी कवरेज भी आ रही है. सो बिकॉज इट इज़ अ 3-in-1 प्रोडक्ट, इसकी कवरेज बहुत लाइट है. मतलब अगर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स या कोई एक्ने हैं तो उसको ये कवर नहीं करता, लेकिन अगर आपके स्किन टोन में हल्की सी अनइवननेस है तो उसको ये इवन आउट करने में मदद करता है और एक हल्का सा एक बेटर इवन कॉम्प्लेक्शन आपको देता है. ऑन दी अदर हैंड फिटमी का लाइट से लेके मीडियम कवरेज है. सो अगर आप एक लेयर हल्की सी अपने फिंगर्स से या स्पॉन से लगाएंगे सो वेरी लाइट कवरेज देगा, बट अगर आप इस तरीके के ब्रश से लगाएंगे सो आप इसकी कवरेज को बिल्ड करके इसको एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन की तरह पहन सकते हैं. तो हल्के फुल्के जो एक्ने के मार्क्स हैं, कोई स्पॉट्स हैं, आप उन सभी को इससे बड़ी आराम से कवर कर सकते. सो दोनों का स्टेइंग पावर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. ये अराउंड 4 hours तक स्टे करता है एंड ये 4 to 5-6 hours तक मैक्सिमम स्टे कर जाता है आजकल के विंटर सीजन में. समर्स में और जल्दी 4 hours के बाद ऑयली होने लगता है ये. तो लैक्मे सीसी क्रीम अगर मैं कहूँ ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम देना पसंद नहीं है. एक स्टेप किया, हल्का कवरेज, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर एंड यू आर डन. फिटमी फाउंडेशन ऑन द अदर हैंड उन लोगों के लिए है जिन्हें एक तो ज़्यादा कवरेज चाहिए होती है, जिनकी फिनिश या ऑयली स्किन का जिनका कंसर्न रहता है ज़्यादा, एंड जो मेकअप के साथ वर्क करना पसंद करते हैं एंड मेकअप में ओवरऑल बेटर फिनिश चाहते हैं. सो दिस इज़ फॉर ऑल द पीपल हु आर वेरी वेरी बिजी, जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मेकअप करना, हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड जिन्हें बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं करने, येट एट द सेम टाइम अच्छे रिजल्ट चाहिए. सो गो फॉर सीसी क्रीम. अगर आप मेरा पर्सनल प्रेफरेंस पूछें दोनों में से, सो एनी डे आई विल पिक मेबलिन फिट मी ओवर द सीसी क्रीम. बिकॉज एक तो मुझे बीबी सीसी क्रीम्स उतने पसंद नहीं है जितने मुझे फाउंडेशन पसंद है. सेकेंडली क्योंकि मेरी ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये मेरी स्किन को बेटर सूट करता है रादर दैन ये लैक्मे का सीसी क्रीम. थर्ड अगर मैं कहूँ मुझे क्यों पसंद है, बिकॉज इसमें शेड का बड़ा प्रॉब्लम रहता है. ऑल्दो ब्रॉन्ज मेरे स्किन को मैच करता है बट आई फील ये जो 310 सन पेज है ये मेरे स्किन के लिए एक बेटर मैच है. एंड जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अराउंड 100-150 का डिफरेंस है. सो दिस प्रोडक्ट स्टेज मच बेटर ऑन माई स्किन एंड आफ्टर 4 to 5 hours मुझे लगता है कि ये मेरे स्किन पे ज़्यादा अच्छा दिखता है. तो ये था मेरा आज का कंपेरिजन बिटवीन लैक्मे 925 सीसी क्रीम एंड मेबलिन फिट मी फाउंडेशन. सो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताना बिल्कुल मत भूलिएगा. आपके कोई और सवाल हैं, इसको लेके कोई पॉइंट है जो मैंने कवर नहीं किया उसके बारे में भी नीचे कमेंट करके मुझसे पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा. मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. बाय बाय.